झोला छाप डॉक्टर के इलाज से किशोर की मौत। पनवारी, बरसाती सीजन के दौरान फुंसियों का इलाज झोला छाप डॉक्टर से कराना 17 वर्षीय किशोर को महंगा पड़ गया। बिना चिकित्सा डिग्री के अस्पताल चला रहे कथित डॉक्टर द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के बाद युवक की हालात बिगड़ती चली गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मरीज को पनवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला थाना महोबकंठ के क्षेत्र गटेरा का है, जहां अमर सिंह कुशवाहा का 17 वर्षीय पुत्र अजय कुशवाहा के पैरों में बरसाती फुंसिया हो गई थी। बृहस्पतिवार सुबह अजय फुंसियों के इलाज के लिए गाँव के ही एक डॉक्टर के यहाँ गया, जहाँ कथित झोला छाप डॉक्टर ने केस को हल्के में लेते हुए गोली और इंजेक्शन के सहारे इलाज शुरू कर दिया। परिजनों के मुताबिक इलाज से अजय की सेहत सुधरने की जगह बिगड़ती चली गई, जिसके बाद डॉक्टर ने हाथ खड़े करते हुए मरीज को बाहर दिखाने की बात कही। परिजन अजय को सीरियस हालात में पनवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। डॉक्टरों ने जहां उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची महोबकंठ पुलिस ने पंचनामा भरकर किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए महोबा भेज दिया। जवान युवक की असमय मौत से परिवार और रिश्तेदारों में रो रोकर बुरा हाल। पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई। उल्लेखनीय है कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बुंदेलखंड के पिछले इलाकों में बिना किसी चिकित्सा डिग्री के कंपाउंडर से झोला छाप डॉक्टर बने लोग इलाज के नाम पर ग्रामीणों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में लगे हैं।